हेलो बीन के तहियोर से समूचे भारत के साथ साथ हिमाचल में भी दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत हिमाचल में सोलन से हुई है, जहां एक व्यवसायी ने अपनी अपनी दुकानों को ही हेलो बीन थीम में डाल दिया है, जहां दुकान के सारे कर्मचारी भूतों की पोशाक में ग्राहकों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। हेलोवीन के त्यौहार ने समूचे भारत के साथ साथ हिमाचल में भी दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत हिमाचल में सोलन से हुई है, जहां एक व्यवसायी ने अपनी अपनी दुकान को ही हेलोवीन थीम में ढाल दिया है, जहां दुकान के सारे कर्मचारी भूतों की पोशाक में ग्राहकों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, केक पेस्ट्री भी इसी थीम पर ढली दिखाई दे रही है। लोग भी इस अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हेलोवीन का त्यौहार पश्चिमी देशों में धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार के लिए सभी अपने अपने अंदाज में तैयारियां करते हैं। बच्चों के लिए ये पड़ोसी और रिश्तेदारों से चॉकलेट्स लेने का दिन है, वहीं बड़े इस दिन अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। आमतौर पर लोग त्योहार पर खूबसूरत कपड़ों में सजते हैं, लेकिन ये त्योहार कुछ अलग है। इस दिन लोग डरावना रूप बनाते हैं, आत्माओं और भूतों की तरह मेकअप करते हैं और कपड़े भी इसी थीम के अनुसार चुने जाते हैं। अधिक जानकारी देते हुए बेकर्स स्टेट के MD मधुकर शर्मा ने बताया कि बाहरी देशों में हेलोवीन का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये त्यौहार भारत के बड़े बड़े शहरों में भी मनाया जाने लगा है, लेकिन हिमाचल इससे अछूता था, इसलिए उन्होंने इस थीम को लेकर अपने व्यवसायिक संस्थान को हेलोवीन का स्वरूप दिया है, जहां सभी कर्मी भूत की पोशाक में दिख रहे हैं और दुकान का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहां वे सामान रखा गया है जो बड़े मेट्रो शहरों में रखा जाता है। First of all, a very happy Halloween to all our viewers from Solan, from Himachal and all the rest of India. So basically, like this concept of Halloween is being followed in USA. So they celebrate this festival to guard off the ghosts. So humne socha ki थोड़ा बहुत हम भी अपने शहर के लिए कुछ करें, जैसे अभी ये चीज़ें चंडीगढ़ में हो रही हैं, दिल्ली मुंबई में हो रही हैं, चंडीगढ़ वगैरह में जैसे आप देखोगे तो हेलोवीन पार्टीज भी हो चुकी हैं शुरू। हमारा शहर और हमारा प्रदेश थोड़ा पिछड़ा हुआ इन चीज़ों से। सो बेसिकली थोड़ा सा इनिशियल स्टेजेस पे स्टेप है, विल स्टार्ट ऑफ विद दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर कुछ और अच्छा करेंगे। तो हेलोवीन के ऊपर हम पूरा थीम सेट किया है, अंदर का आर स्टाफ, आर प्रोडक्ट्स एंड आर एम्बियंस एंड एवरीथिंग everything you'll find concept from the Halloween. जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, दरवाजा खोलते ही आपको सबसे पहले भूतिया साउंड्स और हमारे ड्रेस्ड अप स्टाफ ग्रीट करेंगे हेलोवीन के उससे। उसके बाद जैसे आप हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर भी हमारा भूत बना हुआ है कहीं पे, कोई केक ही पूरे भूत की थीम पे बना हुआ है, पेस्ट्रीज, हर चीज़ की डेकोरेशन भी हमारी माइन्यूटली, एवरी डिटेल इज बींग कैप्चर्ड इन द थीम ऑफ हेलोवीन। वहीं MD सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि वे नई नई चीजें सोलन वासियों के लिए लेकर आते हैं। दिवाली पर उन्होंने पटाखों के रूप में चॉकलेट और कैंडीज बनाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन दिवाली को प्रोत्साहित करना था, जिसमें लोग पटाखों को चलाते नहीं बल्कि खाते देखे जा सकते थे। वहीं आज भी उनकी टीम ने हिमाचल के लिए नए त्यौहार हेलोवीन का आरम्भ किया, जो बाहरी देशों और भारत में बड़े बड़े शहरों में मनाया जाता है, लेकिन अब हिमाचल के छोटे से शहर हिमाचल में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इस त्योहार को एक हफ्ते तक सोलन में मनाया जाएगा। सोलन शहर के लिए बिल्कुल नई कोई चीज़ है, नए कंसेप्ट को हमने अपने पेस्ट्रीज के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। पेस्ट्री के ऊपर हमने भूतिया शेप की पेस्ट्री बनाई है, अपने डोनट बनाए हैं, केक के हमने शेप भूतिया शेप में दिया, ताकि शहर को कुछ नया लगे, क्योंकि हमारा शहर भी अब मेट्रोपॉलिटन सिटी से पीछे नहीं है। इस शहर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शहर के बच्चे सोलन से बाहर जाकर के बड़े बड़े शहरों में एंजॉय करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि वो थीम, वो चीज़ें हमारे शहर को भी, लोगों को पता लगे कि ऐसा भी पूरे संसार में होता है। तो इसलिए हमने इस थीम को लेकर के सोलन में हमने बेकर स्ट्रीट में एक हफ्ते का पूरा हमने ये हेलोवीन थीम सेट किया है। दिवाली के ऊपर हमने एक इको फ्रेंडली जो है क्रैकर शेप में चॉकलेट्स बनाई थी, वो सारी की सारी चॉकलेट्स जो है हमारे, उसमें हमने अनार बनाया था, फुलझड़ी वो फिरकी बनाई थी, आलू बम बनाया था, आलू बम के बाद हवाई बनाई थी और बम टाइप बनाया था, वो सारे के सारे चॉकलेट की फॉर्म में, ताकि हम इको फ्रेंडली दिवाली बना सके। कुछ लोग हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो पटाखे नहीं चलाना चाहते, वो सिर्फ जो है दिवाली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने एक इस शेप के ऊपर सारे के सारे क्रैकर शेप में हमने अपने चॉकलेट्स को शेयर को दिया था, और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और वो गिफ्ट लगभग बहुत सारे लोगों ने शहर में अपने नियर डियर्स को बांटे हैं।